हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ये एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट न्यूरोफिजियोलॉजी का टॉपिक है तो टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में एक एक प्रोसेस प्रोसेस टू प्रोसेस यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका स्टडी हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत में करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग सैनोपसिस से स्टार्ट करेंगे तो so, साइनोपसिस में है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ब्लड सप्लाई इन नेफ्रॉन टाइप ऑफ नेफ्रॉन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कंक्लूजन और रिफ्रेंस तो फ्रेंड्स ये वाला नोट्स काफ़ी लंबा है इसलिए मैं ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो टॉपिक है ये मैं दो वीडियो में यानी कि दो पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में ये वीडियो को शेयर करूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा लंबा वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत होता है इसलिए मैं दो पार्ट में ये वीडियो शेयर करूँगी ठीक है तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे यूरिन ह्यूमन बॉडी का लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इतना तो पता ही होगा इसमें यूरिया यूरिक एसिड साल्ट वाटर और अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी में होने वाली वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं उसके बाद ही यूरिन का यूरिन जो पूरी तरह से बन जाता है और हमारे बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है ना यूरिन का फॉर्मेशन प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी में होता है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जो नेफ्रॉन के नंबर्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में ठीक है ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मेनली टू पार्ट्स होते हैं पहला जो होता है रीनल कैप्स्यूल्स होते हैं और सेकेंड होता है रीनल टिब्यूल्स सॉरी ये रीनल कार्पल्स होते हैं और सेकेंड होता है रीनल टिब्यूल्स यूरिन फॉर्मेशन थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो रीनल कैप्सूल के थ्रू होता है सॉरी रीनल कार्पल्स के थ्रू होता है सेकेंड होता है रीऑबॉपन थर्ड होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन ये रीऑबेशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है वो रीनल टीब्यूल्स के हेल्प से होता है ठीक है लगभग तेरह सौ एम एल ब्लड किडनी में एवरी मिनट एंटर करता है जो कार्डियक आउटपुट का ट्वेंटी परसेंट होता है और नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर पर डे होता है ठीक है अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन तो पहले देखेंगे यूरिन का तो यूरिन एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें मेटाबॉलिज्म के कई वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जिन्हें किडनी द्वारा ब्लड से फिल्टर किया जाता है सेकेंड में हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन किडनी की माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो रीनल कार्पल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल से कंपोज्ड होता है अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है इच किड़नी में लगभग वन मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एंड स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट में अपेयर होते हैं एक नेफ्रॉन की लेंथ थर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव एम होती है नेफ्रॉन टू पार्ट से मिलकर बना होता है रिनल कार्पल्स और रिनल टिब्यूल्स रिनल कार्पल्स को देखते हैं हम लोग यह ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करती है एंड फिल्ट्रेट बनाती है रिनल कार्पल्स में टू पार्ट होते हैं पहला जो होता है ग्लोमेरुलस तो देखते हैं ग्लोमेरुलस किडनी में ब्लड सप्लाई रिनल आर्टरी के थ्रू होता है रिनल आर्टरी जैसे ही किडनी में एंटर करती है वह आर्ट्रियोल्स में टूट जाती है जो आर्ट्रियोल नेफ्रॉन में ब्लड को लाते हैं उसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल कप सेप स्ट्रक्चर में एंटर करता है और मैनी कैपिलरीज में टूट जाता है इन कैपिलरीज के टफ्ट और ब्रांच को ग्लोमेरुलस कहते हैं रिज्वाइन होकर एक ब्लड वेसल बनाती है जिसे एफरेंट आइड्रियोल कहते हैं जो नेफ्रॉन से ब्लड को बाहर लेकर जाती है एफरेंट आइड्रियोल इफ्रेंट आइड्रियोल से ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है ग्लोमेरुलस का कैपिलरीज को वॉल एंडोथिलियल सेल की बनी होती है इसमें मैनी पोर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं उसके बाद सेकेंड देखेंगे बोमन कैप्स्यूल तो यह एक कप सेप्ट स्ट्रक्चर होता है एंड यह डबल वॉल्ड होती है पेरिटल वॉल और विजरल वॉल पहला देखेंगे पेरेटियल वॉल तो यह आउटर वॉल होती है ये एपिथेलियल सेल की बनी होती है विजरल वॉल यह इनर वॉल होती है जो स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं पोडा यानी होता है फीट इस सेल्स के बीच स्पेस पाया जाता है जिन्हें फिल्ट्रेशन पोर और स्लीट पोर कहते हैं यही फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से समझाया गया है बोमन कैप्सूल पेरेटियल एपिथेलियल विजरल पोडोसाइट्स हार्ड्रियोल्स सब सबको यहाँ पे दिखाया गया है तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे ठीक है नेफ्रॉन का डायग्राम उसके बाद सेकेंड देखेंगे रिनल ट्यूब्यूल्स तो रिनल ट्यूब्यूल्स कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स कौन कौन सा पार्ट होता है पहला होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसे इस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीसीटी भी कहते हैं तो यह बोमन्स कैप्सूल के पीछे एक टाइटली कॉइल्ड पोर्सन होता है यह क्यूबल एपिथेलियल सेल का बना होता है यहाँ रीऑबॉर्पसन की प्रोसेस अधिक होती है सो पीसीटी के अंदर रीऑबॉर्पन को इन इन्हेंस करने के लिए क्यूबल सेल अपना जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं और ब्रुज ब्रॉडेड क्यूबॉडल एपिथेलियल सेल बना लेते हैं इन सेल में माइटोकॉन्ड्रियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेकेंड देखेंगे लूप ऑफ हेनले हेनले का लूप बोला जाता है इसको हिंदी में यह यू सेप स्ट्रक्चर होता है जो पी सी टी और डी सी टी को कनेक्ट करता है लूप ऑफ हेनले थी पोर्सन क्यूबल एपिथेलियल सेल का बना होता है एंड इसका थीन पोर्सन स्क्वामस एपिथिलियल सेल का बना होता है इसमें एक असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्प होता है फिर है डिस्टल कॉनलेटेड ट्रिब्यूल तो लूप ऑफ फैनने के बाद फिर से एक हाईली कॉनोलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे डी कहते हैं यह क्यूबेडल अपीथीलियल सेल का बना होता है फिर देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। डी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है यह सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं उसके बाद है ब्लड सप्लाई इन नेफ्रॉन तो किडनी में ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है देन रीनल आर्ट्री जैसे ही किडनी में एंटर करते हैं वह आर्ट्रियोल में टूट जाता है एफरंट आइट्रियोल कप सेव स्ट्रक्चर में एंटर करता है और मैनी कैपेलरीज में टूट जाता है इन कैपिलरीज के टफ्ट और ब्रांच को क्लोमेरुलस कहते हैं देन कैपिलरीज थ्री जॉइन होकर एक ब्लड वेसल बनाती है जिसे एफरेंट आइट्रियोल कहते हैं जो नेफ्रॉन से ब्लड को बाहर लेकर जाती है एफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरीज में टूट जाती है एंड ये पीसीटी के आसपास कैपिलरीज का जाल बनाती है दैन कैपिलरीज डी सिटी के आसपास जाकर जाल बनाती है इन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं देन कैपिलरीज डी सिटी से लूप ऑफ हैंडले की तरफ जाती है एंड लूप ऑफ हैंनले के पास भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे वासा रेस्टा कहते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन के वासा रेक्टा में मिलकर रीनल वेन्युल्स बनाते हैं एंड इसी प्रकार बहुत सारे रीनल वेन्यूल्स मिलकर रीनल वेन बनाते हैं जो इन्फेरियर कावा में ओपन होती है यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट दिया गया है तो आप लोग ये सब बनाएंगे ठीक है ब्लड सप्लाई नेफ्रॉन को यहाँ पे समझाया गया है तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे मैं आगे बढ़ती हूँ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन तो देआर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसमें होता है लूप ऑफ हैंडले शॉर्ट नो आशा रिए रेक्टा मेजर पार्ट लाइज इन कॉर्टेक्स रीजन एटी टू एटी फाइव एटी फाइव परसेंट नो रोल इन वाटर कंजर्वेशन पेरी ट्यूब्यूलर टेपुलरीज ट्वेल्व डेवलप्ड और नो काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है ठीक है उसके बाद सेकेंड देखेंगे जक्स्ट्रा मड्यूलरी लेफ्रॉन तो इसमें हैंडले लूप लूप ऑफ फेंडले लॉन्ग होता है वाशर रेक्टा वेल होता है वेल डेवलप्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है मेजर रोल इन वाटर कंजर्वेशन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नॉट डेवलप्ड होते हैं और ये फिफ्टी टू ट्वेंटी परसेंट होता है ठीक है फिर ये डायग्राम दिया गया है लूप ऑफ फेंले का तो इसको भी आप लोग बनाएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है वो थ्री प्रोसेस में कंप्लीट होता है यूरिन का फॉर्मेशन थ्री तीन प्रोसेस का परिणाम है पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेकेंड है री एब्जॉपन और थर्ड है ट्यूबुलर सेक्रेशन तो पहला हम लोग देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड नेटिली तेरह सौ एम एल मिनट किरणी में एंटर करता है जो टोटल कार्डियक आउटपुट का ट्वेंटी परसेंट होता है फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल की सेमी परमिएबल वॉल के थ्रू होता है जिसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फाइव प्लेयर से मिलकर बनी होती है पहला कैपिलरीज की फेनेस्ट्रेट एपिथेलियल एपिथेलियम से जिसे एंडोथेलियम कहते हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बोमन्स और तीसरा है बोमन्स कैप्सूल की विजरल एपिथीलियल सेल जिसे पोडोसाइट कहते हैं पोडोसाइट के बीच पोर पाया जाता है जिसे स्लीट पोर कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन तब होता है जब ब्लड एफरेंट आट आट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में एंटर करता है और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड 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 में प्रेजेंट वाटर एंड सॉल्ट एज ग्लूकोज अमीनो एसिड और नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड आयंस ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं ठीक है आगे देखेंगे एंड लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड फॉर्म एलिमेंट सेल एंड प्लेटलेट्स कैपिलरीज की वॉल से पास होने में असमर्थ होते हैं फिल्ट्रेट फ्लूड को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है जो एसेंशियली प्रोटीन फ्री एंड प्रोटीन फ्री एंड सेल से रहित होती है उसके बाद है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट तो पर मिनट बोथ किडनी के और रीनल कैप्सूल में बनने वाले फिल्ट्रेशन के अमाउंट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं एक हेल्दी पर्सन में ग्लोमेरुलर फिल्टरे फिल्ट्रेशन रेट लगभग वन ट्वेंटी फाइव एक सौ पच्चीस एम एल मैन्यूट और साढ़े सात लीटर सेवन पॉइंट फाइव लीटर पर ओवरऑल वन फिफ्टी लीटर पर डे होता है ठीक है यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल का डायग्राम दिया गया है तो आप लोग इसको बनाएंगे तो यह एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं एंड लार्ज मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं ये एक अन बेस्ड प्रोसेस्ड है जिसमें यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस दोनों रिमूव हो जाते हैं नीट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक एंड कोइलोसमेटिक प्रेशर के योग को रिप्रेजेंट करता है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन को फेवर और अपोजिट करते हैं या फिर अपोज करते हैं थ्री मेन हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑस्मेटिकेशन प्रेशर हैं। वन प्रेशर फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है और टू प्रेशर फिल्ट्रेशन का विरोध करते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जी एच पी पचपन ड्यू टू नैरो फ्रेंट आर्ट्रियोल और प्रमोट फिल्ट्रेशन ठीक है सेकेंड देखेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सी एच पी दो पंद्रह एम एम एच जी ड्यू टू फ्यूल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैपस्यूलर स्पेस और अपोज फिल्ट्रेशन उसके बाद थर्ड देखेंगे ब्लड कोइल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बी सी ओ पी तो थर्टी एम एम एच जी ड्यू टू प्लाजमा प्रोटीनस अपोज फिल्ट्रेशन नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ई एफ पी और एन एफ पी जी एच पी बी सी ओ पी प्लस सी एच पी दोनों को जोड़ देंगे तो फिफ्टी फाइव माइनस थर्टी प्लस फिफ्टीन होगा और आंसर टेन एम एम जी एच ठीक है उसके बाद है री एब्स ऑप्शन गोमेरूलर फिल्ट्रेशन में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल मैनी सब्सटेंस होते हैं जैसे वाटर ग्लूकोज अमीनो एंड इलेक्ट्रॉइड्स साथ ही साथ एक्सक्रिएटेड एंड रिमूव्ड सब्सटेंस जैसे यूरिया यूरिक एंड क्रिएटिनिन भी होते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेकेंड वीडियो में मैं शेयर करूँगी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर आपको नोट्स का पी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग